हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई-लर्निंग एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स, ओके, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहेंगे। ओके, देखो ध्यान से वीडियो आप लोग को देखना है, प्रॉपर वे में हर एक वीडियो प्रॉपर वे में फॉलो करना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो अभी का अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल को आप लोग फास्ट वे में अभी का अभी ज्वाइन कर लेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी इसका लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, और ये मेरा पर्सनल स्टडी, यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो ये फर्स्ट मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल मुझे पहले प्रोवाइड करना था आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट को चाहिए था ये। ओके, तो यहाँ पे सुपर पोजिशन ऑफ वेव चैप्टर नंबर 6 के यहाँ पर हम लोग प्रॉपर वे में हर एक न्यूमेरिकल का प्रॉपर वे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को बस ध्यान से वॉच करना है आपको। ओके, सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग वीडियो को पूरा प्रॉपर वे में इन्जॉय करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोलता है, द वे ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे क्या है, गिवन है 500 हर्ट्ज़, बताओ क्या गिवन है। 500 हर्ट्ज़ इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्या मैं 500 को एन बोल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी एन, यस। तो 500 हर्ट्ज़ यहाँ पे क्या मिला हमको, फ्रीक्वेंसी, राइट है कि नहीं, राइट है। तो यहाँ पे 500 हर्ट्ज़ हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्क्रीन पर बस ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे, प्रॉपर में हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को प्रॉपर में पता होगा कि जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हमेशा उसका यूनिट क्या मिलता है, हर्ट्ज़ में मिलता है ना। जब भी यूनिट मिलता है हमको क्या, किस में मिलता है, हर्ट्ज़ में मिलता है। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग यूनिट का बात तो नहीं कर रहे, साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे और भी इसमें क्या गिवन डेटा है। ओके, अगर आप लोग को चाहिए स्टूडेंट्स, आप लोग प्रॉपर एम एन यहाँ पे इस इनिशियल में अगर चाहिए तो आप लोग को यहाँ पे गिवन लिख के प्रॉपर एम एक्सप्लेन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे मैं आप लोग को पता है, जैसे कि आप लोग 12th में तो आप लोग को पता है ये किस टाइप से गिवन और टू फाइंड वगैरह सब लिखना रहता है हमको। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि गिवन में क्या है। ओके, नेक्स्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा 350 मीटर पर सेकंड है, जो कि स्पीड गिवन है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ नथिंग बट द वी विच इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट में देखो और क्या गिवन, हमको कुछ और गिवन है क्या, यहाँ पे देखते हैं। देखो ए पार्ट यहाँ पे लिखा, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट टाइम्स 1 मीटर सेकंड है क्या ये, नहीं, क्या ये मीटर सेकंड, नो। टाइम किसकी बात किया, टाइम की बात किया उसने, टाइम मीटर सेकंड थोड़ी नहीं होता है। टाइम क्या होता है, बताओ टाइम क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द 1 मिलियन सेकंड है ना। ये जो एमएस लिखा इसका मीनिंग है कि 1 मिलियन सेकंड की वो बात कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो अ पार्ट पूछा है। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या पूछा, फेज डिफरेंस उसने पूछा, यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा है। फेज डिफरेंस कब पूछा, जब उसको टाइम डिफरेंस कितने मिल रहा है, 1 मिलियन सेकंड मिल रहा है। ओके, देखो क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो क्या बोलता है, वट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विच आर 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट में उसने क्या पूछा कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, जब भी एंगल कितना ट्रैवल कर रहा होगा, 45 डिग्री, पाई बाय 4 डिग्री। ओके, एज फेज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, प्रॉपर में आप लोग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ओके, प्रॉपर में एक्सप्लेन करता हूँ, हर एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे, बहुत ही ईजी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, तो देखो देखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स समझने की नीड है, जो कि इसका बेसिक्स होने वाला है, बहुत सिंपल, आप लोग बस स्क्रीन पे देखते रहना। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो अगर हम लोग एक वेव साइकिल की बात करते हैं तो कंप्लीट एक वेव साइकिल ऐसे बनने वाला है, राइट नहीं, राइट है। अगर ये कंप्लीट वेव साइकिल है, अगर ये कंप्लीट यहाँ पे वेव साइकिल हमको मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो वेव बनने वाला है, देखो अगर मैं इसके वेवलेंथ की बात करता हूँ, अगर मैं इसके वेवलेंथ की बात करता हूँ तो वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स ये बता सकते हो कि आपकी वन साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, सो इट इज़ नथिंग बट द 2π है ना, कितना टाइम पीरियड लगेगा, 2π लगेगा, राइट है कि नहीं, राइट है स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2π आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2π आएगा, यस, लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, 2π आएगा, राइट है कि नहीं, राइट है ना। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लैम्डा ही मेरे वन साइकिल का कंप्लीट क्या बनने वाला है, पाथ डिफरेंस बनेगा, राइट है कि नहीं, लैम्डा ही मेरे लिए क्या बनने वाला है, पाथ डिफरेंस बनने वाला है, इज इक्वल्स टू जो यहाँ पर टाइम 2π दिख रहा है आपको, टाइम पीरियड 2π जो दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट द क्या, इट इज़ नथिंग बट द क्या, अगर एंगल के टर्म में बात करोगे सर, क्या बोलोगे सर, इट इज़ नथिंग बट द फेज डिफरेंस, इट इज़ नथिंग बट द फेज डिफरेंस। तो लैम्डा यहाँ पे हमको जो वेवलेंथ मिल रहा है, कंप्लीट एक पाथ डिफरेंस मिल रहा है, साथ ही साथ किसके इक्वल मिल रहा है हमको, फेज डिफरेंस के इक्वल मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको मैं देखो स्टूडेंट, ये जो ना ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा लॉजिक वे में सॉल्व कर रहे हैं ताकि ईजिली हमको कैलकुलेशन मिले, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मैं तुमको ना एक फॉर्मूला भी बता दूंगा जो कि बहुत ही ईजी फॉर्म है, उसको भी आप लोग लर्न कर सकते हो।
बट उसकी नीड नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो। ओके फिर सुनो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक साइकिल को कंप्लीट किया इसने, इस टाइप से कंप्लीट किया, एक साइकिल को इस टाइप से इसने कंप्लीट किया, तो हमको वेवलेंथ कितना मिला, विच इज इक्वल टू द 2 पाई। 2 पाई क्या है, देखो वेवलेंथ किसके इक्वल मिल गया, 2 पाई के इक्वल। 2 पाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, कहाँ से कहाँ तक, इस जर्नी से लेकर इस पॉइंट तक, समझ में आ रही कि नहीं। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या मिला, फेज डिफरेंस। लैम्डा इक्वल टू क्या मिल गया, 2 पाई मिल गया, राइट है कि नहीं, राइट है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब इसके साथ में ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फेज डिफरेंस यहाँ पे मिलने क्या वाला है हमको, फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इट इज़ नथिंग बट द 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या आएगा, पाथ डिफरेंस, राइट है कि नहीं, राइट है स्टूडेंट्स, है ना। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, है ना। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखते रहेंगे। ओके थोड़ा सा मैं इसको अपसाइड में करता हूँ ताकि ईजी में आप लोगों को दिखे बहुत कुछ। ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे मूव करने के पहले अगर हम लोग ध्यान से क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्या मुझे अभी देखो इसको मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है, फेस डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फेस डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला मैंने फेस डिफरेंस के लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ओके बट फेस डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, बट आप बोलोगे सर हमारे पास तो लैम्डा है ही नहीं, तो लैम्डा कैसे हम निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, वही अपना बेसिक वाला कौन सा लेवंथ का क्या पढ़ देता हूँ, वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमको लैम्डा मिलेगा क्या, यस वी अपॉन क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। वी का वैल्यू कितना बताया उसने, 350। एन का वैल्यू कितना दिया उसने, फ्रीक्वेंसी हमको कितना दिया था उसने, अगर आपको याद होगा तो फ्रीक्वेंसी हमको पीछे दिया था ना 500। ओके तो देखो कहीं भी लिख दे रहा हूँ भाई मैं, ये क्या लिखा है 500। ओके इसको 0 0 कैंसिल कर दो, 0 जैसे ही कैंसिल करोगे तो आप लोग को यहाँ पे जो पावर मिलेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो कितना मिल जाएगा, 7/10 मिल जाएगा। ओके तो जो 7/10 लैम्डा वैल्यू मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इस लैम्डा के प्लेस पे इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, राइट है कि राइट है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इस लैम्डा को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम लोग प्रॉपर वे में उसको लिख सके। ओके सो स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लैम्डा का वैल्यू हमको कितना मिला है, इट इज़ नथिंग बट द 7/10, है ना। लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 7/10 मिल गया। देखो यहाँ पे जो भी लैम्डा का वैल्यू 7/10 मिला है इनटू नेक्स्ट अपने पास क्या आने वाला है, पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट अपने पास क्या आने वाला है, पाथ डिफरेंस, राइट है कि नहीं, राइट है। तो हमारे पास जब पाथ डिफरेंस आएगा, जब भी हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा तो हमारा जो कैलकुलेशन होने वाला है पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए वो क्या मिलेगा, फॉर्मूला लैम्डा बाय 2, है ना। फॉर्मूला क्या मिलेगा, लैम्डा बाय 2। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पाथ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पाथ डिफरेंस होता है, इट इज़ नथिंग बट द लैम्डा बाय 2। ओके देखो ये जो लैम्डा मैंने प्रोवाइड किया है पाथ डिफरेंस तो है, ये लैम्डा पाथ डिफरेंस तो है, बट वन कंप्लीट साइकिल के लिए तब मेरे पास क्या था, एंगल 2 पाई था। थोड़ा लॉजिक वे में सोचो बच्चों, देखो यहाँ पे लैम्डा, जब मैं लैम्डा की बात कर रहा था ये पूरा का पूरा कंप्लीट साइकिल था, है ना। उस टाइम पे वैल्यू क्या मिल रहा था, 2 पाई। जैसे ही मैं अगर इस पॉइंट पे बात करता हूँ, अगर मैं जैसे इस पॉइंट पे बात करता हूँ तो बताओ एंगल कितना मिलेगा, बता सकते हो आप लोग एंगल कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, पाई मिलेगा, राइट है कि नहीं। आंसर आप लोग को मिल चुका है बट फिर भी हम लोग इसको कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। ओके देखो लैम्डा का वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो लैम्डा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा था, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा था, ऊपर क्या मिला था, 7/10। तो वही सेम मिल रहा है ना भाई, है ना। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या अपने पास 0.7 डायरेक्टली दो चलेगा, यस चलेगा, है ना। अब देखो जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे ये पूरा सॉल्व करोगे लास्ट में आंसर क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, पाई। समझ में आ रहा कि नहीं, तो पाई किसका आंसर आया, फर्स्ट का आंसर पाई आ गया, फर्स्ट का आंसर कितना मिल गया, पाई मिल गया। समझ में आ रहा कि नहीं स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा मैंने यहाँ वहाँ कैसे भी करके लिख दिया, आप लोग 12th में आप लोग को सब पता चलना चाहिए, है ना। तो अब मैं बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने वाला, तो बी पार्ट के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो बी पार्ट के लिए स्पेस लिए तो हम लोग छोड़ देंगे क्वेश्चन, नहीं उसके लिए मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ध्यान से आपको देखना, देखो जब बी पार्ट के लिए मैं सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ डिलीट करने वाला हूँ, है ना। देखते हैं क्या डिलीट कर सकते हैं हम। ओके तो ये वाला पार्ट, ये डायग्राम का तो अभी नीड नहीं है, आप लोग समझ चुके ही होंगे, ठीक है। वापस नीड पड़ेगी तो हम वापस ड्रॉ करेंगे, क्या प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग को बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना है। देखो बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना मतलब क्या है, यही तो बोर्ड है भाई आपका, यही तो बोर्ड है ना, यही तो बोर्ड है, राइट है कि नहीं, राइट है ना। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स। ओके नाउ नेक्स्ट वन, क्या पूछा उसने, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, फेज डिफरेंस। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फेज डिफरेंस। ओके उसने क्वेश्चन में पूछा क्या था, फेज डिफरेंस। मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, इसको ब्लू ले लेता हूँ, है ना, ब्लू सही रहेगा। देखो फेज डिफरेंस पूछा था उसने 45 डिग्री। फेज डिफरेंस 45 डिग्री मीन्स क्या पूछा उसने, देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या बोला उसने, 45 डिग्री पे। तो 45 को हम लोग पाई बाय 4 लिख सकते हैं क्या, यस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, राइट है कि नहीं, राइट है। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई,
है ना। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो इसको इरेज करता हूँ मैं फिर से, इरेज 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 किधर गया, हाँ देखो इरेज करता हूँ मैं फिर से लिखता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे तो ये पाई बाय फोर है यहाँ पे, है ना। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो लैम्डा है, लैम्डा पूरा एक कंप्लीट साइकिल का मिलता है, टू पाई मिलता है, राइट है कि नहीं, राइट है ना। अब देखो मुझे चाहिए क्या पता, मुझे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, मुझे पाई बाय फोर का वैल्यू चाहिए। तो मैं पाई बाय फोर, इसको पाई बाय फोर कैसे बना सकता हूँ, जब मैं इसके डिनोमिनेटर को फोर से डिवाइड, दोनों साइड अगर मैं इस साइड डिवाइड कर रहा हूँ तो इस साइड भी डिवाइड करूँगा, है ना। जब मैं इसके डिनोमिनेटर को फोर से डिवाइड करूँगा क्या, नहीं तो क्या मिल जाएगा, पाई बाय टू मिल जाएगा, बट पाई बाय टू चाहिए हमको नहीं, पाई बाय फोर चाहिए। हम तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर, पाई बाय एट से, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एट से, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, एट से, यहाँ तो यहाँ एट से हमने उन्हें डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड। जैसे हम एट से डिवाइड करेंगे तो ये टू और ये एट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, पाई बाय फोर मिल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा, पाई बाय फोर मिल जाएगा। अब बट लेफ्ट में हमारे पास क्या है, लैम्डा बाय एट आ गया, है ना। अब यहाँ पे करना क्या, पाई बाय फोर का ही तो वैल्यू चाहिए था भाई, है ना, पाई बाय फोर का ही वैल्यू चाहिए था। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, पाई बाय फोर इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, लैम्डा बाय एट, लैम्डा का वैल्यू कितना था, लैम्डा का वैल्यू कितना था, 0.7 बाय क्या आ गया, 8 आ गया। जैसे स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व करोगे सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके और लॉग बुक यूज़ करके, तो आप लोग को आंसर आ जाएगा 0.0875 मीटर। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहेंगे, ये आंसर आप लोग को बी मिल गया। आई होप आप लोग को पूरा मस्त क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझ में आया, ऐसा लग रहा है आप लोग को कि वापस से क्वेश्चन रिपीट करने की नीड है, तो वीडियो रिपीट कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही इंजॉय करोगे आप लोग, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए साउंड वेव इन अ सर्टेन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टिकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव, है ना। तो एक साउंड मीडियम है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहा है। स्टैंडिंग वेव का अगर आपको याद होगा कंसेप्ट, तो हम लोग स्टैंडिंग वेव के लिए क्या करते हैं, आउटसाइड में आप फिक्स करते हैं ना, बीच में क्या रहता है हमारे पास, साइकिल इस टाइप से मूव करता है, इस टाइप से साइकिल मूव करता है, राइट है कि नहीं, राइट है, है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज 3.75 मीटर। मतलब यहाँ पे गिवन क्या बोल रहा है, वो गिवन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नेक्स्ट आने वाला है वो क्या मिलेगा, जो लैम्डा का जो वैल्यू दिया उसने, हमको लगेगा कि लैम्डा का वैल्यू दिया, बट उसने लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया है। क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड। अगर आप लोग को नोड वाला डेरिवेशन पता होगा तो आप लोग को मालूम पड़ना चाहिए टू सक्सेसिव नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाय टू होता है। तो लैम्डा बाय टू का वैल्यू कितना बताया था उसने, 3.75 सेंटीमीटर। क्या और कुछ क्वेश्चन उसमें बताया, यस क्या बताया, और उसने वेलोसिटी बताया, कितना बताया, 1500 मीटर पर सेकेंड, राइट है कि नहीं, राइट है ना। नाउ नेक्स्ट क्या और कुछ वैल्यू उसने बताया, नहीं, और क्या पूछा उसने, उसने क्या पूछ लिया बताओ, उसने क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी, सिंपल, बहुत सिंपल है भाई, है ना। कैसे करेंगे, देखो v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा हम लोग बचपन में पढ़ते थे, है ना। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, राइट है कि नहीं, राइट है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे इसको, है ना। तो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्या मिलने वाला हमको, n इज इक्वल्स टू v का वैल्यू कितना था, 1500, v का वैल्यू कितना था, 1500, लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 × 3.75, बट यहाँ पे ये देखो 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 यहाँ पे मिस्टेक होने वाला था, है ना। मिस्टेक क्या होने वाला था कि यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, इसका यूनिट तो मीटर में है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻²। समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू, ये पूरा का पूरा इसे कैंसिल कर लो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ आप लोग, यहाँ पे जो आएगा हमको 750 आएगा, डिवाइड बाय क्या अपने पास है, 3.75। देखो यहाँ पे क्या, 10⁻², ऊपर गया तो क्या बन गया, 10⁻², राइट है कि नहीं, राइट है, है ना। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल सिंपली वे में आप लोग को बताने वाला हूँ। देखो जैसे आप लोग इससे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आप लोग को वैल्यू जो निकल के आता है ना, पॉइंट शिफ्टिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो पॉइंट शिफ्टिंग करने के लिए यहाँ पे नीचे डिनोमेटर है ना, जो डिनोमेटर, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻²² से कर दो और +2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों भी, तो सिंपली वे में हो जाएगा, राइट है कि राइट है ना। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, अब इसके बाद क्या करने वाला हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका 2 आ जाएगा और ये जो 10⁻², यहाँ से 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 20 नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे जो हमको मिलने वाला है वो वैल्यू मिलेगा 200 मिलेगा, और जो वैल्यू है नेक्स्ट 10⁻² मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो आने वाला यूनिट क्या मिलेगा, अगर बोलोगे सर हर्ट्स में बताओ तो हर्ट्स में थे 20 × 10⁻³ 3 हर्ट्स आएगा, बट इसी को बोलोगे सर किलो हर्ट्स में बताओ तो 20 किलो हर्ट्स।
समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी क्या मिल रहा है, 20 किलोहर्ट्ज़। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, कभी भी अगर बोर्ड एग्जाम में या न्यूमेरिकल स्टेप के न्यूमेरिकल अगर पूछे जाते हैं तो हमेशा याद रखना कि ट्राई करो मैक्सिमम वैल्यू तक जाने का। ट्राई करो मैक्सिमम यूनिट, मतलब जो कितना तुम यूनिट वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमेशा ट्राई करना आपको कि कितना आगे हम उसको कंप्लीट करके सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप से हम लोग उसको और ईजी वे में दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो टू सोर्सेज ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर। इसका मीनिंग क्या है, इसने क्या बोला कि दो सोर्स ऑफ साउंड है, दोनों को डिस्टेंस कितने भी सेपरेट किया हुआ है, 4 मीटर के डिस्टेंस भी सेपरेट किया हुआ है। राइट है कि नहीं राइट है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास गिवन डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है कि पाथ डिफरेंस जो यहाँ पे दिया है ना सर, जो पाथ डिफरेंस यहाँ पे जो दिया है ना वो कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। राइट है कि नहीं राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दे बोथ एमिट साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज़। मतलब क्या बोल रहा है कि दोनों भी वो लोग साउंड किस टाइप से प्रोड्यूस करें, सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से। तो कुछ डायग्राम ना इस टाइप से देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करें यहाँ पे आएगा, फिर इसी पॉइंट पर टच करके फिर यहाँ से देखो ये सेकंड सोर्स रहेगा, ये भी ऐसे ऐसे मूव करके इस पॉइंट पर आएगा, तो ये सोर्स 2 है, ये सोर्स 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखो 4 मीटर के बाद और कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में और भी इसमें दिया है कि बट दे आर 180 डिग्री, है ना, क्या बोला है, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। मतलब क्या बोल दिया उसने, फेस का वैल्यू बताया, फेस का वैल्यू हम लोग किसी नोट करते हैं फाइव से, तो फाइव इक्वल्स टू उसने कितना बताया, 180 डिग्री। ओके नेक्स्ट का पूछता है, देखो नेक्स्ट का पूछता हो, एट वॉट पॉइंट्स बिटवीन द टू सोर्सेज विल बी द साउंड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है कि जो भी साउंड इंटेंसिटी यहाँ पे जब टच कर रहा है सेंटर पे, कि साउंड इंटेंसिटी दोनों का भी कब मैक्सिमम, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, वो इस क्वेश्चन को पूछना चाह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे फाइव आया ना, तो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताने की बात किया था, तो यहाँ पे फॉर्मूला वो बता देता हूँ, है ना। देखो अगर आप लोगों ने ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा था पीछे 10th क्वेश्चन का, अगर वो याद नहीं रखना है तो आप लोग ये क्वेश्चन फॉर्मूले के फॉर्म में ये पढ़ सकते हो कि देखो पाथ डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास, पाथ डिफरेंस को हम नोट करेंगे डेल्टा एक्स से। ओके डेल्टा एक्स इक्वल टू 2π/λ इंटू क्या आएगा, डेल्टा फाई आ जाएगा। ओके डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके तो अगेन आ जाओ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 पे, है ना। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग ध्यान से देखना है ना। नेक्स्ट देखो, जैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो हम लोग क्या मालूम पड़ेगा कि जो ये वाला जो सेंटर देख रहे हो आप लोग, कौन से सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरे कंप्लीट सेंटर की, ये वाले सेंटर की बात कर रहा हूँ, ये वाले सेंटर को। देखो जैसे सेंटर की अगर बात करोगे तो हमेशा याद रखना कि जब भी सेंटर ऑफ सोर्स मीट करेगा, है ना, दोनों भी सोर्स के सेंटर है ये, तो सेंटर पे हमेशा याद रखना कि जो पाथ डिफरेंस होता है सेंटर पे, पाथ डिफरेंस क्या होता है ज़ीरो। ओके क्यों ऐसा ज़ीरो होता है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम होता है सेंटर पे वैल्यू, मैक्सिमम सेंटर पे वैल्यू होता है। ओके तो यहाँ पे इंटरफेरेंस अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो किस टाइप का इंटरफेरेंस होता हो रहा है, तो उस इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूँगा, देखो ब्लैक लेके हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है इस पॉइंट पर, ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है इट इज़ नथिंग बट द क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ओके ये हम लोग कहाँ पर पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, आप लोग को अगर ऑफलाइन आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कुछ दिन में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, ओके डोंट वरी। ओके नेक्स्ट वन देखो, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइव इक्वल टू 180 डिग्री तो दिया ही था, हमको पता है कि 180 क्या होता है रेडियन में, पाए होता है, है ना, पाई अगर ये होता है तो ध्यान से देखना। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा था कि 2π इक्वल टू क्या था लैम्डा। सो पाई इज इक्वल्स टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, λ/2। राइट है कि नहीं राइट है, है ना। जैसे पाई इक्वल टू λ/2 अगर मैंने लिखा, इसका मीनिंग क्या है और देखते हैं हम लोग। अगर देखो और बोलोगे सर हमारे पास तो लैम्डा का वैल्यू नहीं है, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करो ना भाई, कैसे मिलेगा, v/n से मिल जाएगा। v क्या था, v का वैल्यू कितना है दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया तो लेट करेंगे हम, 330 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दिया, यस क्वेश्चन में दिया है कितना है, 330 है, है ना। और दोनों 330 हो गया तो देखो भाई गेम हो गया, यहाँ पे कितना वैल्यू मिल गया, 1 मीटर। किसका वैल्यू मिला, वेवलेंथ का वैल्यू मिला। क्या हमको वेवलेंथ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, नहीं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको देखो हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से जो सेंटर से डिस्टेंस जा रहा है, फर्स्ट जो हमको यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा, जो फर्स्ट मिलेगा वो कितना डिस्टेंस होता है, अगर आप लोग बता सकते हो तो कितना होता हो सकता है बताओ, है ना। देखो ये कंप्लीट साइकिल है, ये कंप्लीट साइकिल है, इसका हाफ कितना होता है λ/2, उसका भी हाफ क्या तो कितना होगा λ/4, वही वैल्यू की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, λ/4। तो यहाँ पे क्या मैं λ/4 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, बहुत सिंपल वे में,
मैं लैम्डा बाय फोर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट है कि नहीं राइट है। तो फर्स्ट मुझे जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा लैम्डा बाय फोर, लैम्डा का वैल्यू कितना था 1, इसका मीनिंग क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाला है वो 1/4 मिलने वाला है, राइट है कि नहीं राइट है। अगर मैं इसको मीटर के फॉर्म में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा मैं 0.25 मीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा 0.5 मीटर, नेक्स्ट जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा 0.75 मीटर। इस टाइप से हमको क्या मिलने वाला है बोथ साइड ना, बोथ साइड, इस साइड भी मिलेगा और इस साइड भी, दोनों भी साइड इस टाइप से हम लोग को वैल्यू न्यू मिलते चले जाएंगे, एडिशन में होते चले जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा समझने में इतना इजी नहीं होता है बट बहुत ही सिंपल है। जब भी अगर बोलोगे सर मैं इस साइड पॉजिटिव लेना चाहता हूँ, इस साइड पॉजिटिव लो, इस साइड नेगेटिव ले लो, समझ में आ रहा कि नहीं। इसका मीनिंग क्या कि वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा प्लस माइनस 0.25 मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस 0.5 मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस 0.75 मिलेगा। इस टाइप से हमको अलग अलग वैल्यूज मिलते चले जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अगर नहीं समझा तो क्वेश्चन को वीडियो को रिपीट करो, ओके। अगर उसके बाद भी नहीं समझा तो कमेंट कर सकते हो भाई, उसके बाद फिर से मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो ना इधर आ रहा है ना उधर जा रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन में 13 के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ओके। तो क्वेश्चन में 13 यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, टू साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या बताया उसने, देखो दो साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है और किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अगर आप स्पीड की बात करोगे तो क्या आने वाला बता सकते हो, तो यहाँ पे जो हमको आने वाला है वैल्यू, वो वैल्यू क्या मिलेगा स्पीड का, अगर गिवन डेटा लिखना चाहोगे तो क्या मिल जाएगा, इट इज़ नथिंग बट द वी, वेलोसिटी कितना दिया 330 मीटर पर सेकेंड, ओके। और कुछ गिवन डेटा, येस इफ देयर फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो आइडेंटिकल एंड आर इक्वल टू द 540 हर्ट्स, मतलब क्या दे दिया उसने फ्रीक्वेंसी दे दिया भाई, है ना। तो एन इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, एन इज इक्वल्स टू इट इज़ नथिंग बट द 540 हर्ट्स, ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट अ पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स, 3.5 मीटर कहाँ से मिल रहा है वन सोर्स से, सेकंड क्या बोलता है 3 मीटर फ्रॉम दी अदर सोर्स इफ द सोर्सेज आर इन फेज, दोनों भी सोर्स क्या है फेज में, फेज में मतलब क्या है वो एक ही स्टेट पे, एक ही मोशन ऑफ स्टेट पे है, राइट है कि नहीं राइट है, यस राइट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको क्या फाइंड आउट करना था बताओ, हमको क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, बेसिकली फाइंड आउट करने बोल क्या रहा है पाथ डिफरेंस, सॉरी क्या फाइंड आउट करने बोल रहा हो, अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से तो क्या फाइंड आउट करने बोला है, फेज डिफरेंस नॉट अ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने बोला है, ओके। बट यहाँ पे 3.5 और 3 है क्या, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसका यूनिट क्या दिख रहा है मीटर, अगर ये मीटर यूनिट दिख रहा है मतलब किसी ना किसी का डिस्टेंस का बात कर रहा हो, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या बनने वाला है कि वेव का ही तो डिस्टेंस बनेगा, है ना। इसका मीनिंग क्या है, उसने किसका वैल्यू दे दिया, अगर आप लोग बता सकते हो तो किसका वैल्यू दे दिया उसने, पाथ डिफरेंस का वैल्यू दे दिया है, है ना। तो देखो ये चैप्टर थोड़ा सा ना लॉजिकल क्वेश्चन है इसमें कुछ, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस का वैल्यू है कितना है 3.5 - 3 है, जो टोटल डिस्टेंस रिमेनिंग क्या मिल जाएगा 0.5 मीटर। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल रहा है 0.5 मीटर मिल रहा है, ओके स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोग समझ करेंगे, ठीक है। आगे क्या करना है आपको खुद ही पता है बट फिर भी मैं आगे मूव करके बता देता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, अगेन क्या फाइंड आउट करना है, फेज डिफरेंस। थोड़ी देर पहले देखो फर्स्ट 10th क्वेश्चन मैंने बताया था ना फेज डिफरेंस, तो देखो स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख रहा हूँ मैं, है ना। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2π/λ इंटू क्या आएगा पाथ डिफरेंस। अब ये मत बोलना सर ये कहाँ से आ रहा है, हाँ पहले हम लोग पढ़ लिए, इसको बोलोगे सर फॉर्मूले में लिखे थे, तो फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ डिफरेंस, ओके। क्या मेरे पास 2π का वैल्यू उनको फाइंड आउट करने का भाई, खुद ही वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा बताओ, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बताओ, क्या यूज़ करेंगे, वही अपना बचपन वाला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू v/n। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे डिवाइड करोगे 330 / क्या मिल जाएगा 540, 00 का आंसर 33/54 ही रहने दो, क्या प्रॉब्लम है कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 33/54 लिखा मैंने इसको, देन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना बताया उसने 0.5, तो 0.5 लिख दिया, किसी को प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट वन देखो क्या मिल रहा है 2π/33/54, इसको ऐसे ही रखा मैंने, और यहाँ पे जो 0.5 था उसको 1/2 लिखा, 2 विल बी कैंसल, राइट है कि नहीं राइट है। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा 54π/33, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करोगे, सिंपल मैथ्स यूज़ करोगे, लॉग बुक यूज़ करके सॉल्व कर लोगे। हाउ टू यूज़ लॉग बुक टेबल हम लोग ऑलरेडी वीडियो मैंने दे रखा है ना, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम पे तो उसके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ पे लिंक में आप लोग को मिल जाएगा जब आप सेक्शन लिंक में जाओगे तो, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही प्रॉपर में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया मैंने, जो कि बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन था, ओके स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोलता है। टू वायर्स ऑफ अ सेम मटेरियल एंड द सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच ऑन अ सोनोमीटर। देखो स्टूडेंट, जैसे सोनोमीटर की बात करता है क्वेश्चन में, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है सोनोमीटर के लिए, एन इजिकल्स टू क्या था फॉर्मूला, 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, राइट है कि नहीं राइट है। वे टीजर, वेर टीजर, टी क्या स्टैंड करता है, टेम्परेचर, टी क्या होता है टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर नहीं होता, क्या होता है वो टेंशन होता है। वेर एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या बताओ, स्मॉल एम क्या है मास है, नहीं मास पर यूनिट लेंथ है, ओके okay? और उसको हम क्या बोलते हैं, लिनियर मास डेंसिटी, ओके okay? देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ना एक लाइन बोला उसने, लाइन में मीन्स कौन से लाइन की बात किया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लिनियर मास डेंसिटी ने उसने क्या बोल दिया है कि कॉन्स्टेंट है, समझ में आ रहा कि नहीं। सेम क्रॉस सेक्शन बोला है यहाँ पे, सेम क्रॉस सेक्शन बोला है, सेम क्रॉस सेक्शन बोला है, इसका मीनिंग क्या, लिनियर मास डेंसिटी क्या होने वाला है, कॉन्स्टेंट, समझ में आ रहा कि नहीं। लिनियर मास डेंसिटी क्या होने वाला है, कॉन्स्टेंट होने वाला है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, वन वायर इज लोडेड विद द 1.5 kg, मतलब एक वायर है ना, एक वायर इसको लोड क्या दिया, 1.5 kg का लोड दिया है। दूसरा एक और वायर है जिसको लोड कितना दिया है, जिसको लोड दिया है 6 kg, ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है, द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर। तो वाइब्रेटिंग लेंथ, जो फर्स्ट वायर है उसको वाइब्रेशन जो हो रहा है ना, ऊपर नीचे जो वाइब्रेशन हो रहा है, कितना वाइब्रेशन हो रहा है, 60 सेंटीमीटर। सेकंड जो वायर था, सेकंड जो वायर है उसका वाइब्रेशन कितना हो रहा है, उसका वाइब्रेशन हमको फाइंड आउट करना है ना, उसका वाइब्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपके सामने है और ये जो भी वैल्यूज की हुई वो भी आपके सामने। बट यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन बोला है कि एंड इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ सेकंड वायर। इसका मीनिंग क्या है, क्या बोल दिया उसने, दो वायर थे, फर्स्ट का फ्रिक्वेंसी का वायर सेकंड के फ्रिक्वेंसी का वायर से सेम है, फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो जो वैल्यू की बात किया उसको हम लोग मानेंगे वेरी कर रहा है, जिस वैल्यू की उसने बात नहीं किया उसको हम मानेंगे कि ये चेंज हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे आने वाला है, अंडर रूट ऑफ टी वन। इसका मीनिंग क्या है कि देखो लेंथ, यहाँ पे लेंथ की बात किया गया, उसने नहीं बात किया, तो लेंथ को हम लोग क्या समझेंगे कि इट इज़ नथिंग बट द कॉन्स्टेंट, नहीं लेंथ को हम लोग को फाइंड आउट करना है, पहले का लेंथ दिया, सेकंड का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कॉन्स्टेंट समझेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या मास पर यूनिट लेंथ को कॉन्स्टेंट ने बोला, यस, फ्रीक्वेंसी दोनों ऑलरेडी सेम बोल दिया था, तो क्या बचा भाई, अब टू टू थोड़ी लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, L1। नेक्स्ट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टी टू, अपन में क्या आएगा, L2, राइट है नहीं राइट है, यस राइट है। अंडर रूट ऑफ टी, टी क्या होता है, टेंशन, टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या टेंशन दिया हुआ है, नहीं किस में दिया है, मास दिया है, बट क्या मैं मास से टेंशन मैनेज कर सकता हूँ, यस कैसे, मल्टीप्लाई बाय 9.81। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.81, देखो ये जो टेंशन है ना इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ये टेंशन को मैं, देखो ये जो टेंशन का ना इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, L1 को वहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब T2 यहाँ पे रिप्लेस होगा तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 6 kg मल्टीप्लाई बाय 9.81 इक्वल टू क्या आएगा, L1 डिवाइड बाय L2। L1 का वैल्यू भी हमको पता है कितना है, 60 सेंटीमीटर, है ना। देखो 9.81 कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ वैल्यू आपको सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट्स, है ना। इसका तो आई होप आपको मैथ्स आता होगा, है ना। तो L2 का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप L2 की वैल्यू याद करोगे तो 1.2 meter समथिंग आ जाता है ना, 1.2 meter। तो आप लोग वीडियो को प्रॉपर में सॉल्व करके, स्टॉप करके सॉल्व कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कि जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन 15 देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ्रीक्वेंसीज दिया, उसने फ्रीक्वेंसीज, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसीज, देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटेनेट फ्रीक्वेंसीज। तो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी कितना है, 640 हर्ट्ज़, सेकंड जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है, 896 हर्ट्ज़, उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 1152 हर्ट्ज़, इस टाइप से अलग अलग हमको फ्रीक्वेंसी है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड आउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या बोला उसने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप लोग को याद होगा कि जब भी हम लोग वन साइड क्लोज पाइप के लिए जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं जो कि जनरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो, जो आप लोग का स्क्रीन वही आपका बोर्ड है, है ना। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला मिलता है फॉर पीएथ ओवर टोन, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या मिलेगा फॉर पीएथ ओवर टोन के लिए, 2P+1, समझ में आ रहा है कि नहीं, 2P+1 इंटू क्या आ जाएगा n, राइट है कि नहीं राइट है। ये तो हम लोग को पीएथ ओवर टोन पे मिल रहा है, बट हमको पीएथ ओवर टोन पे फाइंड आउट करके मिलेगा क्या आंसर, नहीं। हम क्या करेंगे, एक और आगे फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए, सेकंड ओवर टोन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो सेकंड ओवर टोन आने वाला है इट इज़ नथिंग बट द P+1th ओवर टोन। तो सेकंड जो ओवर टोन का फॉर्मूला मिलेगा, अब मैं पी के प्लेस पे क्या लिखूंगा, P+1, है ना। देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, है ना, पी के प्लेस पे लिखूंगा P+1, और ये जो प्लस था वो एज इट इज लिखा, ये जो वन था उसको एज इट इज लिखा, इस वाले पी के प्लेस पे P+1 यूज़ किया है पूरा का पूरा, मल्टीप्लाई बाय एन,
राइट है कि नहीं राइट है? यस राइट है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? अब हमको फाइंड आउट करना है, हमको देखो एट द एंड क्वेश्चन में तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, बट हम लोग को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा? जब हमको ओवरटोन का वैल्यू पता चल जाए। ओवरटोन का वैल्यू पता चलने के लिए क्या चाहिए हमको? पी का वैल्यू चाहिए, है ना? पी तो ओवरटोन है, समझ में आ रही कि नहीं? अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा मैथ्स यूज़ करूँगा भाई, सिंपल सा मैथ्स यूज़ करूँगा। देखो ध्यान से, सिंपल सा मैथ्स कैसे यूज़ होगा? देखो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो ना भाई, इसको सिंप्लीफाई करो। टू इंटू पी, टू पी प्लस टू प्लस वन, दैट मीन्स थ्री इंटू क्या आ जाएगा एन? राइट है कि नहीं राइट है? यस राइट है। अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ, टू पी प्लस थ्री इंटू क्या आएगा एन, डिवाइड बाई क्या आएगा, टू पी प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब देखो क्या मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ का वैल्यू दिया? यस, फ्रीक्वेंसीज़ का वैल्यू ऑलरेडी उसने दो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताया यहाँ पे, देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑलरेडी बताया। कितना वैल्यू दिया था उसने? देखो जो सेकंड वैल्यू उसने दिया था वो कितना दिया था, 896। सेकंड में मैं क्यों लिख रहा हूँ पहले, क्योंकि इसने मैंने ये वाला जो वोट होता है मैंने सेकंड का पहले लिखा ना, इसे वैसे यहाँ पे 640 यहाँ पे गया। जैसे इसको सॉल्व करोगे ना भाई, इसको 4 8 से सॉल्व करते जाओ, लास्ट में आपको ना ये जो डिवीजन रूल है, ये जो डिवीजन करने के बाद रूल नहीं है, डिवीजन जो करने के बाद 14/10 मिल जाएगा। ओके, उसका क्या करना है? आप देखो ये जो रिलेशन आपको आई होप दिख रहा होगा, ये रिलेशन है ना, आपको सिंपल मैथ्स आता होगा तो आप लोग यहाँ से पी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। मैं इसके आगे पी का वैल्यू लिख देता हूँ कि पी का वैल्यू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब यही पी का वैल्यू 2 यूज़ करके आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है क्या? ये जो एन देख रहे हो, यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कोई भी एक वैल्यू ले लो, फर्स्ट वाला वैल्यू ले रहा हूँ मैं 640 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला जो आ रहा है 2p प्लस 1 आ रहा है, p का वैल्यू 2p प्लस 1 इंटू एन, ऐसे टाइप से मैं यूज़ कर लूँगा। 640 एज इट इज़ लिखा मैंने, 2p पी का वैल्यू कितना था, 2 प्लस 1 इंटू एन आ गया। एन का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो एन का वैल्यू अगर मैं डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगा, सिंपल मैथ्स आता होगा तो मैं फाइंड आउट करके निकाल दूंगा 128 हर्ट्ज़। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए किस टाइप से यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट वन से यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप लोग वर्ड पे ध्यान से, स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज़, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्या पूछा उसने, लेंथ पूछा है, समझ में आ रहा कि नहीं? उसने लेंथ पूछा है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे दिया है, उसने कितना दिया है 300 हर्ट्ज़, और यहाँ पे वेलोसिटी भी दे दिया है। अब क्या फाइंड आउट करना है भाई? कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है किसके लिए, बट देखो क्या बोला उसने, ओपन एट बोथ एंड। अगर आपको याद होगा तो ओपन एट बोथ एंड के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिलता है, इट इज़ नथिंग बट द वी बाय 2L, समझ में आ रहा कि नहीं? देखो उसने वेलोसिटी दिया, यस। लेंथ का वैल्यू दिया, नो। लेंथ भी पूछा उसने, क्या एन दिया, यस। तो क्या मैं यहाँ से एल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस, सिंपल मैथ्स अगर मुझे आता रहेगा तो मैं एल का वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड द सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई, पीछे वाला क्वेश्चन है, है ना? क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैसा है, फ्रीक्वेंसी कैसा है, ओपन है, कैसा ओपन है, बोथ एंड ओपन है, बोथ एंड ओपन है। इसका मीनिंग क्या है कि फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, वी बाय 2L, फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, वी बाय 2L, बट उसको क्या चाहिए, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला तो यही होगा ना, एन इज इक्वल्स टू वी बाय 2L, तो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट देखो क्या पूछता है, नेक्स्ट का पूछता है कि फर्स्ट ओवरटोन बता हुआ है, तो फर्स्ट ओवरटोन देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब भी हम लोग निकालेंगे तो N0 प्रोवाइड करते हैं, N1 पूछा है, तो N1 अगर आपको याद होगा तो जब भी हम लोग बोथ साइड ओपन पाइप की बात कर रहे थे, एक छोटा सा डेरिवेशन हमने किया था कुछ केसेस के फॉर्म में, है ना? अगर नहीं पता तो अपने नोटबुक में चेक करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2N मिल जाएगा N1, N2 क्या मिलेगा, N2 क्या मिलेगा, इट इज़ नथिंग बट द 3N, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब N का वैल्यू, N मतलब N0, एन नॉट का वैल्यू यहाँ से कैसे मिलेगा, वेलोसिटी दिया है ना भाई, कितना दिया है 330/2 × L, L लेंथ भी दे दिया उसने, लेंथ को किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में, तो 0.25 कर लो, राइट ही नहीं राइट है? इसको सॉल्व कर लो, इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप लोगों को 660 हर्ट्ज़ मिलेगा ना, मीटर बोल रहा हूँ मैं भाई, सॉरी हर्ट्ज़ मिलेगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो एन नॉट को, मतलब 660 को आंसर मिल जाएगा, सभी का आंसर। इस टाइप से हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया, समझ में आ रहे कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ, ओके। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्वेश्चन मस्त वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे किस कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है, और एटलीस्ट अपने 2 to 3 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे ना, थोड़ा व्यूज़ आप लोग इंक्रीज़ कराइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 में, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज़। ओके, तो पाइप क्या हो रहा है, बोथ साइड ओपन है, अगेन क्या बोलता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया उसने, बोथ साइड ओपन है, तो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो अब तक डिस्कस करते आ रहे थे। ओके, कौन सा फॉर्मूला, V बाय, अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला कौन सा है, बता सकते हो कि V बाय
वी बाय ट्वेल्व है ना, वी बाय ट्वेल्व। बट यहाँ पे देखो वी बाय ट्वेल्व तो हम यूज़ करेंगे, वी बाय ट्वेल्व तो यूज़ करेंगे, बट कुछ में देखो और भी कुछ बोला है। द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ पाइप, फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। फर्स्ट ओवरटर्न, फर्स्ट ओवरटर्न किसका, क्लोज्ड एट वन एंड पाइप का। नेक्स्ट का बोलता है एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ ओपन पाइप। ओके, तो सेम फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटर्न का ओपन वाले पाइप का। ये जो ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन पाइप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, फंडामेंटल के लिए नहीं। ओके, ये N1 क्या है, फर्स्ट ओवरटर्न के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को अच्छे से याद होगा कि जब भी फर्स्ट ओवरटर्न वन साइड क्लोज पाइप के लिए मिलता है तो क्या मिलता है, 3N मिलता है ना, 3NC लिख रहा हूँ मैं क्लोज के लिए, 3NC लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम ना हो जाए। ओके, जब भी हम लोग को ओपन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी मिलता है सेकंड, मतलब फर्स्ट ओवरटर्न जो मिलता है फर्स्ट ओवरटर्न, वो कितना मिल जाता है अगर आपको याद होगा तो वो मिलता है 2N ओपन। समझ में आ रही कि नहीं? ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, 3 × V/4L देखो एल सी यूज़ कर रहा हूँ मैं, एल सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन साइड क्लोज पाइप। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 × V/2LC। समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट? सॉरी एल सी नहीं भाई, एल नॉट, दोनों एल सी कैसे आएगा है ना, एल नॉट यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, फाइंड आउट क्या करना है। ओके, 3 × V/4LC वेलोसिटी दिया क्या है, वेलोसिटी दिया क्या हमको, नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं, क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी कितना है, 330/4 × LC फाइंड आउट करना है, यस LC फाइंड आउट कर लेंगे हम, 2 × अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा ना यूज़ करना है ट्रिक, V/2L0 इसका फ्रीक्वेंसी दिया क्या, यस इसका फ्रीक्वेंसी दिया है, देखो बोथ साइड ओपन पाइप, बोथ साइड ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी ये रहा, बोथ साइड ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटर्न के लिए कितना है, 600 हर्ट्स। तो ये 600 हर्ट्स को मैं क्या करूँगा, इसके पूरे के पूरे प्लेस पे आने वाला है 600 हर्ट्स। ओके, इसको जैसे सॉल्व करोगे ना भाई, इसको जैसे सॉल्व करोगे ना तो एलसी का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और वो क्या मिलने वाला है, क्या लपक क्या आएगा यहाँ पे, एलसी का वैल्यू 20.6 सेंटीमीटर। अगर सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आप लोग को वैल्यू मिल जाएगा, अगर मीटर में बोलोगे सर मीटर में बताओ तो मीटर में 0.026 मीटर आ जाएगा। ओके, अब एलसी को वैल्यू मिल गया, क्या हमको सिर्फ एलसी फाइंड आउट करना था, नो हमको एल नॉट भी फाइंड आउट करना है। एल नॉट के लिए क्या करोगे, यही सेम जो रिलेशन यहाँ मिला था इसको फिर से यूज़ करो, कैसे यूज़ करेंगे, 3 × V यहाँ पे 330 है, अपॉन में क्या आएगा, 4 × LC का वैल्यू तो मिल चुका है, यस जो कितना मिला 0.0206 क्या आया, 2 × V/2L0 वी क्या था, सेम 330 है ना यहाँ पे, और 2 × L0 तो फाइंड आउट करना है, 2 कैंसिल, ये जो वी था ये वी कैंसिल। समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एल नॉट फाइंड आउट कर लेंगे, और वो जो एल नॉट हमको मिलने वाला है यहाँ पे उसका मैं डायरेक्ट फॉर्म में आंसर बता देता हूँ, इट इज़ नथिंग बट द 0.275 मीटर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग दोनों भी प्रॉपर वे में समझ गए रहेंगे। देखो यहाँ पे 0.0206 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 0.206 आएगा ना, 0.0 नहीं आएगा मीटर में। ओके, तो आई होप आप समझ गए रहेंगे क्वेश्चन नंबर 18 किस टाइप से सॉल्व किया हमने। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, बहुत ही प्रॉपर वे में देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है, अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, है ना, एक स्ट्रिंग है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है और फिक्स्ड है वन एंड को, यस कोई बात नहीं, फिक्स रहने दो, क्या प्रॉब्लम है हमको। नेक्स्ट क्या बोलता है, द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्स। दूसरा एंड है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्स, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्या बोलता है, ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव फोर कंप्लीट लूप, अब यहाँ से स्टार्ट होगा अपना कंसेप्ट। देखो फोर कंप्लीट लूप, तो फोर कंप्लीट लूप इस टाइप से बनाएगा, 1 लूप 2 लूप 3 लूप एंड ये 4 लूप, ठीक है। देखो लूप फॉर्म क्या किया हमने, नहीं अभी ये फॉर्म कर रहे हैं हम, देखो 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप और ये ओपन रहेगा है ना, छोटा सा पार्ट ओपन रहता है स्ट्रिंग में हमेशा, है ना, हाफ वाला साइकिल का हाफ पार्ट ओपन रहता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से बनाया, अब लूप की काउंटिंग कर लेते हैं, 1 लूप 2 लूप 3 लूप एंड 4 लूप और फिफ्थ वाला तो हाफ रहेगा। ओके, कितना डिस्टेंस कितना बोल दिया उसने, 1 मीटर क्वेश्चन में बोला ना, देखो ना 1 मीटर कहाँ तक, यहीं तक है भाई, यहीं तक है 1 मीटर, देखो 1 मीटर है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस स्टेशनरी वेव, क्या बोला है, प्रोग्रेसिव वेव फाइंड आउट करना है कि जो कि आप प्रोड्यूस कर रहा है स्टेशनरी वेव। ओके स्टूडेंट्स, बस ध्यान से आप लोग को स्क्रीन पे देखना रहना है। ओके, लेंथ कितना दिया, 1 मीटर, लेंथ कितना दिया 1 मीटर, बट अगर इसी को मैं लैम्डा के टर्म्स में बोलूँगा तो लेंथ कितना दिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक वो लैम्डा बाय 4, फिर लैम्डा बाय 4, तो 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 6 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4, 8 लैम्डा बाय 4 एंड 9 लैम्डा बाय 4। ओके, टोटल कितने लैम्डा बाय 4 है, 9 लैम्डा बाय 4, लैम्डा वाले कितना बोला 1, तो कितना गया 9 बाय 4, इसका मीनिंग क्या है कि लैम्डा 4 हमको यहाँ पे लेंथ मीटर के फॉर्म में मिल गया।
ओके क्या हमको लेंथ फाइंड आउट करना था? नो, हमको क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। क्या हमारे पास एन का वैल्यू दिया? यस, एन का वैल्यू दिया कितना? 15 हर्ट्ज। इंटू लैम्डा दिया, यस लैम्डा 4। सॉल्व कर लेंगे अगर हमको सिंपल मैथ्स आता है तो, है ना। कितना वेलोसिटी मिलेगा? 6.67। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा? 6.67। बट देखो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, हमको एल नहीं पुट करना है ना, लैम्डा पुट करना है। तो लैम्डा के लिए यहाँ पे 4/9 लिखेंगे। भाई रॉन्ग कर दिया हमने, 4/9 लिखेंगे, है ना। तो 6.67 मीटर पर सेकंड यूनिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, है ना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है ना ये क्वेश्चन कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, है ना। इतना सिंपल आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, सिर्फ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो 440 हर्ट्ज़ दिया है, ये क्या दिया है बताओ, ये क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया, एन का फ्रीक्वेंसी, एन का वैल्यू दे दिया उसने। क्या हमको फाइंड आउट करना है? एक स्ट्रिंग की बात करें, देखो एक स्ट्रिंग इस टाइप से फिक्स लेगा, है ना। फर्स्ट वाला लूप अगर आपको याद हो तो डेरिवेशन हमने किया है ऐसा कुछ, तो ये लूप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे तो क्या आएगा बताओ? फर्स्ट ऑर्डर क्या आएगा? 2n मिल जाएगा आराम से, n का वैल्यू तो दिया भाई। सेकंड ऑर्डर की बात करोगे तो क्या मिलेगा? 3n। देखो कितना सिंपल, n का वैल्यू दिया है, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, सिंपल, खत्म खत्म हो गया भाई, खत्म। क्वेश्चन 21 पे आ जाओ। देखो क्या बोला है? सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्क इज अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड। हर एक फोर्क कितना दे रहा है हमको फ्रीक्वेंसी? कितना दे रहा है? 8 बीट्स पर सेकेंड। 8 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है हमको ना, सॉरी 4 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है। तो 4 बीट्स जो यहाँ पर सेकेंड दे रहा है, इसका मीनिंग क्या? हमको 1 बीट्स का रेंज है। 10^-7 कितना मिलेगा? 4। ओके नेक्स्ट वन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना वाला टोटल 8 ट्यूनिंग फोर्क को, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो फर्स्ट 8 ट्यूनिंग फोर्क, सेकंड ट्यूनिंग फोर्क, इस टाइप से कितने हैं? 8 ट्यूनिंग फोर्क है, समझ में आ रहा कि नहीं? 1 से लेकर हम पूरे 8 तक गए, ओके। इसका मीनिंग क्या कि हमारे पास जो वैल्यू मिलने वाला है वो वैल्यू कैसे मिलेगा? 8 तक मिलेगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आगे भी कुछ स्टेटमेंट बोला है उसने, विद द नेक्स्ट वन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ, जो लास्ट फोर्क है ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट है। तो लास्ट फोर्स देखो, लास्ट जो फोर्क मिलेगा क्या मिलेगा? एन एट का मिलेगा, ओके, ट्वाइस ऑफ क्या बोल दिया उसने? ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, तो एन वन मिलेगा, राइट है कि नहीं? राइट है स्टूडेंट्स, यस राइट है। देखो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो एन वन मिल रहा है हमको। एन टू की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या मिलेगा? एन वन प्लस क्या जाएगा? n1+4। एन थ्री का मिलेगा n2+4। इस टाइप से एडिशन होते चले जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? इस टाइप से क्या होने वाला है यहाँ पे? एडिशन होते चले जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब भी मैं यहाँ पे इसको अगर मैं नॉर्मल हमारा जो मैथ्स होता था कौन सा अलजेब्रा का, उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? n8=n7+। यहाँ पे क्या होता था बताओ? यहाँ पे क्या होता था? ए इंटू टी डी डिफरेंस होता था, है ना। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 7 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। n8 वाला क्या मिलेगा? 7×4 मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे जो 4 लिखा है ना भाई, ऐसा नहीं होगा। n2=2 क्या मिलेगा? देखो ई वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, tn=a+n-1×d। यही तो मैंने यूज़ किया, यही तो मैंने यूज़ किया, है ना, ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। देखो अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा और इजी वे में सॉल्व कर लूँगा। बट इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? यही सेम फार्मूला जैसे हम लोग ने सॉल्व किया था, समझ में आ रहा है कि? यहाँ पे जो हम लोग ने समझने के लिए किया, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ओके। नेक्स्ट वन देखो, n1 का वैल्यू क्या हमारे पास है? n1 का वैल्यू है? नो, n1 का वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पे जो हमको n8 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? n7+28। राइट है, और n8 का वैल्यू दिया है ना भाई, कितना? 2n1। तो ये इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो 2n1, n8 की प्लस 2n1 और n7+ कितना आएगा? 28। n7 का वैल्यू कितना आएगा? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे n7 का वैल्यू कितना आएगा? n7 को हम लोग को यहाँ पे लिखने के लिए एक छोटा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पे n1 आएगा, है ना। क्यों n1 आएगा देखो, ये तो समझने के लिए हमने किया था, बट n1 क्यों आएगा? हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, ये तो समझ लिया हमने। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व कर देता हूँ, ताकि कुछ लोग ऐसा समझेंगे भाई कुछ भी करा रहे हैं सर, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे ध्यान से देखना। देखो हमको यहाँ पे अगर मैं n8 लिखूँ ना, है ना, यहाँ पे क्या लिखूँगा? n8 इक्वल टू आएगा a क्या हमारे पास बताओ? a क्या? n1 है, प्लस n1 माइनस n माइनस 1, है ना। तो क्या आएगा? 7×4। अब सही है, n8 का वैल्यू क्या? 2n1, है ना। कहाँ से मिल रहा है? देखो यहाँ पे देखो, 2n1 इक्वल टू क्या है? n1 प्लस क्या आएगा? 28। तो n1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? n1 का वैल्यू जो मिलेगा यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे तो n1 का वैल्यू मिलेगा आपको 28 हर्ट्ज। क्या हमको n1 फाइंड आउट करना है? नो, n1 तो फाइंड आउट करना है, येस, बट लास्ट फोर्क के लिए भी चाहिए। लास्ट फोर्क का रिलेशन देखो, यहाँ पे रिलेशन n8=2n1, तो n8 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 2×28,
जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, दैट इज 56 हर्ट्ज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हो, अगेन सोनोमीटर की बात करते हैं। भाई सोनोमीटर कौन सा फॉर्मूला, वही फार्मूला जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला, एन इजिकल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। समझ में आ रहा कि नहीं, एम क्या है यहाँ पर, लीनियर मास डेंसिटी। ओके नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे 40 न्यूटन वैल्यू दिया क्या हमको, यस 40 न्यूटन वैल्यू दिया इसने। क्या दे दिया, टेंशन टी वन, कितना दिया है 40 न्यूटन। नेक्स्ट वैल्यू और कुछ गिवन है, यस। नेक्स्ट वाले अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया उसने, फ्रीक्वेंसी कितना दिया 384 हर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो हमारे पास क्या है, एन है। समझ में आ रहा कि नहीं, एन वन दिया है, मतलब सेकंड एन टू दिया है। देखो ना, एन टू फाइंड आउट करने बोला है, कहाँ गया देखो, बिट्स गेट्स पर इन टू सेकेंड है ना। टेंशन भी दे दिया है, तो टी टू भी हमको दिया है उसने 1.24 न्यूटन। समझ में आ रहा कि नहीं, सब कुछ वैल्यू उसने दे दिया है। यहाँ से हम एन टू फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या होने वाला है, N1/N2। जो नहीं दिया है उसको कैंसिल करो भाई, जो दिया है उसकी बात करो। ओके क्या आएगा, T1/T2। यहाँ से हमको देखो N1 का वैल्यू पुट करूँगा मैं, N1 का वैल्यू कितना है 40/N2 का वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है। देखो 40 नहीं भाई, N1 का वैल्यू कितना है 384 इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ T1 T2 दिया है, T1 कितना 41.24। यहाँ से हमको N2 का वैल्यू मिलेगा थ्रू द लॉग बुक यूज़ करके, है ना। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू जो भी मिलेगा हमको, जो भी वैल्यू मिलेगा हमको N2 का, वो वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, 378 समथिंग वैल्यू मिलेगा। तो 378 सॉरी कहाँ भी लिख रहा हूँ यार, 378 वैल्यू मिलेगा हमको। नेक्स्ट देखो, क्या हमको N2 फाइंड आउट करना है, नो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको बीट्स फाइंड आउट करना है, बीट्स पर सेकेंड। देखो बीट्स पर सेकेंड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा तो N2 माइनस N1। N2 क्या मिला हमको 384। N1 क्या मिला, देखो N2 384 नहीं मिला है, N2 क्या मिला 378 ना, तो 384 माइनस 378 करूँगा। देखो ये रॉन्ग लिख दिया हमने, N1 माइनस N2 होता है ना, डेरिवेशन में पढ़ा हमने। ओके तो 384 माइनस 378 कितना आंसर आ गया, जो आंसर मिलेगा हमको, आंसर मिल रहा है 6। ठीक है, 6 मिल रहा है बीट्स पर सेकंड के लिए ना। बट देखो यहाँ पे क्या बोला, टू सेकंड बिट्स, 2 सेकंड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12 बिट्स। ओके तो 2 सेकंड में कितना बिट्स प्रोवाइड करेगा, और 12 बिट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नो इसका देखो और क्वेश्चन है 24, देन वी विल एंड आर न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिकल वीडियो। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 23 सोनोमीटर बोला, देखो फिर से भाई सोनोमीटर की बार बार बात करता है वो, है ना। यहाँ पे मैं आप तो डायरेक्ट बताऊँगा, देखो ये लेंथ एल दिया है, यहाँ पे देखो वेट दिया, वेट मतलब क्या दे दिया उसने, डब्ल्यू का वैल्यू दिया, कितना दिया डब्ल्यू का वैल्यू 5 kg, डब्ल्यू 5 kg दिया है। बट ये क्या मैं टेंशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस कैसे, 5 × 9.8 कर दो। नेक्स्ट देखो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये क्या दे दिया उसने, एन का वैल्यू दिया है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है उसको, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने बोलता है वो, कैलकुलेट लीनियर डेंसिटी ऑफ फायर, मतलब स्मॉल एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही, एन इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। ओके एन का वैल्यू कितना 100 इजिकल्स टू क्या आएगा 1/2 × L फाइंड आउट करना है, नहीं 0.5 दे दिया उसने। अंडर रूट ऑफ टी का वैल्यू दिया गया, यस 5 × 9.8 डिवाइड बाय एम। अब यहाँ पे सिंपल मैथ्स यूज़ कर लो भाई और सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व तो कर ही सकते हो, ये कैंसिल होने वाला है और यह स्क्वायरिंग होकर बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है मास पर यूनिट लेंथ का 4.9 × 10⁻³ वैल्यू मिलेगा। यूनिट तो आपको पता होगा केजी पर मीटर, है ना, केजी पर मीटर, डेंसिटी नहीं हो। ओके नाउ नेक्स्ट वन 24th क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही प्रॉपर वे में। देखो 24th क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, स्ट्रिंग ऑफ गिटार 80 cm लॉन्ग लेंथ दे दिया उसने, है ना, एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया, मतलब एन दे दिया उसने। नेक्स्ट का बोला गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज़। देखो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी दिया, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी दिया फंडामेंटल है, सेकंड जो फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ना N1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 112 जो हमको मिल रहा है, 112 इसको N1 बोल देते हैं, इसको N2 बोल देते, N2 बोल देते, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या बोलता है, वेयर शुड बी द पर्सन प्लेस द स्ट्रिंग, तो पर्सन कहाँ पे स्ट्रिंग प्लेस कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे वो पूछ ले रहा है। ओके नाउ नेक्स्ट ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन के बारे में बात किया है, तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द L। ओके तो यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे N1/N2 इजिकल्स टू आएगा L2/L1। ओके अब जो जो गिवन डेटा है वो सब गिवन डेटा पुट करेंगे, 112 N1 है, N2 क्या है हमारे पास, N2 हमारे पास कितना था 160 हर्ट्ज़, ये 160 हर्ट्ज़ इजिकल्स टू क्या आएगा, L2 दिया गया, नो L2 तो फाइंड आउट करना है, L1 दिया, यस 0.8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और L2 का वैल्यू मिलेगा हमको 0.7
0.56 सेंटीमीटर, ओके 0.56 सेंटीमीटर नहीं मीटर, सेंटीमीटर में चाहिए तो 56 सेंटीमीटर कर लो, ओके अगेन ध्यान रखना बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में आप लोग पूरा कंप्लीट ना सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करके दिखा दो, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखा दो, ऑलवेज हमेशा हम एसआई यूनिट के साथ में जाएंगे तो हमेशा मीटर में जाने वाला है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखा दो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, बहुत कम 0.1 सेकंड लगेगा भाई, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन थे अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पूरे कंप्लीट करके आप लोगों को मैं दिखा दिया किस टाइप से सॉल्व करना है। आप लोग वीडियो को पूरे पूरा इंजॉय किए रहोगे, है ना। अगर आप लोग वीडियो को इंजॉय किए रहोगे प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है जहाँ पर आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम में भी आप लोग ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन करके पूछ सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। सो अभी के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलेंगे न्यू कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या करते रहना है, रिविजन करते रहना, रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ओके। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।